तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ में है, लोकेशन बताइएगा। झारखंड चतरा जिला। झारखंड चतरा जिला। और मैं अभी बता दूं कि जो अभी युवक हमारे साथ में हैं वो बिल्कुल ही नई न्यू फॉर्म स्टार्ट किए हैं। वो फॉर्म का वीडियो पीछे हम चला देंगे, दिखा देंगे। इतना कम पैसा में तैयार कर दिए हैं, इनका बांस बल्ली का मैनेजमेंट देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इनसे बात भी करेंगे। अभी जो चूजा इधर देख रहे होंगे, जो ब्रूडिंग किया जा रहा है, तो जो चूजा है वो 2000 लिए हैं फर्स्ट बार में। ना फर्स्ट बार है ना जी, फर्स्ट बार में 2000 से शुरू किए हैं। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और उत्साह के साथ, अपना मेहनत और लगन से इतना बढ़िया स्टार्टअप किए हैं। तो सबसे पहले हम सर लोग से जानेंगे कि आप लोग इस फील्ड में कैसे आए, क्या सोचकर ये फॉर्म बनाए, पहली बात। दूसरी बात रहेगी इस वीडियो में सर कि इतना कम उम्र में आखिर अपने आप को देखना, अपने आप को बिजनेस में ढालना, ये कहाँ तक सही है और कैसे कर पाए। तीसरी बात है सर कि जो फार्म ये इतना बढ़िया बना दिए हैं कम पैसा में, ये कैसे कैसे बना है। चौथा बात कि आप हमसे संपर्क कैसे कर पाए। तो इस वीडियो में इतना बात रहे। तो चलिए, अभी किसान भाई आ चुके हैं और हम जैसे ही, जो आप लोग जानते हैं कि जीटी रोड है ना, जो आपको मेन जीटी रोड हुआ उससे हम लोग जैसे ही टर्न किए तो कुछ दूर ख़राब सड़कें आई है। अभी किसान भाई जो आए हुए हैं हम लोग को ले जाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। तो चलिए इनके साथ में ही इनके फॉर्म पर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे मैं, जो भी आप लोग झारखंड के हैं, बिहार के हैं, तो अगर जो इधर हरियरगंज तरफ, चाहे बॉर्डर चतरा तरफ आप लोग आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगा, जगह लगेगा। बिल्कुल ही पहाड़ी नुमा इलाका है सब जगह है और अच्छा लगता है घूमने फिरने में भी। तो अभी जैसे ही इनको हम फॉर्म पे पहुंचते हैं, तो फॉर्म से पहुंचने से पहले जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इधर ही समय लग गया। और इनके देखिएगा, ऐसा ऐसा कच्ची सड़क है ना, उसमें जाना पड़ रहा है। तो पिकअप अपनी गाड़ी बड़ी होती है डिलीवर के लिए, ज़्यादा चूजा रहता है, 2000 चूजा इनका है। और डॉक्टर इनका मैं पेशा से बता दूं कि ये डॉक्टर हैं, मेडिकल चलाते हैं। तो बड़ी गाड़ी से ले जा रहे थे, 2000 चिक्स के करीब था। तो अभी ख़राब सड़कें हैं फिर भी ये बिल्कुल ही गांव में घुस जा रही है। तो जो किसान भाई अभी तक हमसे नए नए जुड़े हैं उनको पूरी जानकारी हम लोग देते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अभी देखिए, अब कच्ची सड़क से ले करके अपने फार्म तक ले जा रहे हैं और इनके फार्म तक ले जाने में केवल बीच में खेत है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा, यहाँ जहाँ तक मेरी गाड़ी जा पाएगी वहाँ तक तो हम अपने गाड़ी से इनको ले जाऊँगा। फॉर्म देखिए, आप लोग को काफ़ी बड़ी फॉर्म नज़र आ रही है, बहुत ही कम लागत में, बहुत ही अच्छे रेट में बनाए हैं। अभी इनको दाना भी दिए हैं, चूजा के साथ साथ दाना भी लेकर के गए थे, जो कि छोटा बच्चा के लिए जो दाना होता है, तो दाना भी साथ में उतरवाएँगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि सोनाली का चूजा गाड़ी में लोडिंग है फुल। तो जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सर, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। अभी जो किसान भाई का डिलीवर हो रहा है तो वो अपने भाई को भी बुला करके रखे थे, जो अगल बगल वाले भाई दोस्त होते हैं उन लोग को बुला करके रखे हुए थे, सभी मिलकर अच्छे से उतार रहे हैं और आगे मिलते हैं। और जो नए युवक जुड़े हुए हैं, जो जिन लोग का उम्र कम है, कम सोच, अभी सोचते तो ज़्यादा है, सोच रहे होंगे ऐसा कि हम कम से शुरू करें या ज़्यादा से शुरू करें, उनके लिए इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर इन लोग इतना बड़ा सोचे कि 2000 से हम शुरू करेंगे। कुछ लोग 5-6 हज़ार 8 हज़ार से भी शुरू करते हैं, उनका फाइनेंशियल अपना अपना देखना होता है। तो सर से हम जानकारी लेंगे और पूरी जानकारी लेकर के आपको बताएंगे। तो चलिए सर से हम मिलते हैं, थैंक यू। तो सबसे पहले सर से पूछेंगे, क्या नाम बताया था? पवन यादव। और सर आप? धीरेंद्र कुमार। तो पवन जी बताइए, कहाँ तक पढ़ाई किए थे? पढ़ाई में 12th है। 12th किए थे, और कोई बिजनेस चालू किए हुए हैं? बिजनेस मतलब का नहीं है अभी। अच्छा, चलिए मुर्गी पालन से ही शुरुआत किए हैं। सर आप बताइए, धीरेंद्र जी क्या करते हैं? मेरा हॉस्पिटल है सरघाटे में। जी, बहुत बढ़िया बात है। और अभी फार्मिंग दोनों मिल करके शुरू किए हैं? जी। तो पहला क्वेश्चन था कि आप लोग ये जो फार्म अभी शुरू किए वो कैसे कैसे शुरू किए, क्या सोच कर शुरू किए? हम लोग ऐसे यूट्यूब पर देख रहे थे तो अचानक दिमाग घूम गया, तो हम लोग सोचे कि फार्म करके देखते हैं। ये फार्म का बात कहाँ से आया है, जैसे मुर्गी का फार्म होता है
बकरी का फॉर्म होता है, देसी का फॉर्म है, तो देसी वाला कैसे सोचते हैं? हम यूट्यूब पे देखे थे देसी, तो इधर हंटरगंज, डाल्टनगंज, इधर तो मार्केट भी ठीक ठाक है, घाटी में भी है, तो बेचने का क्या क्या प्लान है आप लोग का, कैसे कैसे बेचा जाएगा, क्या क्या प्लान करके पालन? अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, बाकी तो आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे शुरू किए हैं। अभी लोकल मार्केट है सब, तो गम रहे होंगे क्या है नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा है इसका। जी जी, मार्केट कैसा है वो आप भी जानते होंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि जो आप 2000 से शुरू किए, कुछ लोग 500 और 1000 से शुरू करते हैं, कुछ लोग 8000 10000 से भी शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जिसके पास जैसा मतलब कैपिटल हो, जैसा पूंजी हो, के हिसाब से हम लोग शुरू किए हैं। और बताइए। और जैसे मैं आपका जो पूंजी हुआ वो 2000 के लाइक था, ये चलते शुरू किए हम लोग 2000 के लाइक थे। चलिए अब जो फॉर्म बनाए उसके बारे में हमको बताइए कि जो इतना बढ़िया फॉर्म बनाए हुए हैं। देखिए फॉर्म तो अच्छा है, ऊपर में शेड थोड़ा सा और हाइट होना चाहिए था, लेकिन हमको मैनेजमेंट इस तरीके से अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो बांस का इस्तेमाल जो किए हैं, यानी बांस नहीं, इसे पीलर, पीलर का इस्तेमाल किए हैं, वो तार का पीलर का इस्तेमाल किए। कितना कॉस्ट लग गया होगा फॉर्म बनाने में? डेढ़ लाख रुपया लग गया है। और ये कितना स्क्वायर फीट में है, कितना कट्ठा में है? छह कट्ठा में। तो इधर 1351 स्क्वायर फीट का होता है, कितना का होता है एक कट्ठा? इसमें कितना स्क्वायर फीट होगा? लंबाई चौड़ाई थोड़ा बता सकते हो? 200 फीट लंबा है, 25 चौड़ाई है। 200 और 25, यानी कि इसमें 5000 चूजे आराम से आ जाएंगे। और 2000 से आप लोग स्टार्टअप किए हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। जो मैनेजमेंट है जाली का, उसमें अभी हम सर को बताया कि उसमें बोड़ा लगाना होगा, टाट लगाना होगा, ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से मुर्गियाँ रह सके, उसको हीट मिल सके। और एक बात और है, आप हमसे कैसे जुड़ पाए? हम लोग YouTube के जरिए जुड़े हैं। YouTube के जरिए जुड़ पाए। और जो टाइमिंग वो समय दिया गया वो सही से पालन किया गया कि नहीं? जी जी। डिलीवरी से कैसे हैं, संतुष्ट है कि नहीं? कैश ऑन डिलीवर हो पाया? बिल्कुल। चलिए एडवांस भी लगाए थे और कैश ऑन डिलीवर अभी हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब हम सर से जानेंगे कि जो फार्मिंग सर कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं, आगे इसको और बढ़ाना भी चाहते हैं? बिल्कुल 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 बढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में जब भी हम इधर से जाएंगे तो अगला वीडियो इस सर का बनाएंगे, जब चूजे बड़े बड़े हो रखे होंगे उसके बाद सर से पूछेंगे। और एक बात और सर से पूछना था कि हमारे द्वारा आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया, मेडिसिन के बारे में बताया गया कि नहीं, दाना दिया गया कि नहीं, चूजा दिया, सारे चीज बताया गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।